अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद हसीना। तो आज मैं अपने किचन में बनाने वाली हूँ मायोनीज की रेसिपी। ये देखिए गार्लिक मायोनीज जो मैंने बिना अंडे के बनाए हैं, तो आप भी अपने घर पर इसे जरूर ट्राई कीजिए। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। मायोनीज बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ली हूँ एक कप दूध लेना है, और इसी का डबल हमें ऑयल लेना है, वेजिटेबल ऑयल कोई भी ले सकते हैं आप। और हम लेंगे 1/4 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून शुगर, और क्योंकि गार्लिक मेयोनीज बना रही हूँ तो मैं यहाँ पर गार्लिक पाउडर यूज करने वाले हैं हम। आप चाहे तो 2 से 3 लहसुन की कली भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। पहले हम मिक्सी जार में दूध ऐड करेंगे। अब हम इसमें विनेगर लेंगे, विनेगर ये मैं बताना भूल गई, तो विनेगर डालेंगे हम, कम से कम 1 चम्मच डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच विनेगर ऐड कर लिया है, और आप चाहे तो नींबू का रस भी डाल सकते हैं। शुगर ऐड करेंगे, सॉल्ट ऐड करेंगे, और हम इसमें इसका डबल हमें लेना है ऑयल, तो हम इसमें पहले 1 कप ऑयल ऐड करेंगे, बाकी का हम धीरे धीरे ऐड कर लें, एक साथ नहीं ऐड कर लें हमें। और मैं इसमें अब गार्लिक पाउडर ऐड कर दूंगी। चलिए अब हम इसे मिक्सर में चला लेते हैं। आप चाहे तो इसको आप हैंड ग्राइंडर में भी ग्राइंड कर सकते हैं। इसे 2 मिनट चलाने का हमें रुकना है थोड़ा। ये देखिए 1 से 2 मिनट बाद इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होगी। तो चलिए अब हम बचा हुआ ऑयल धीरे धीरे करके ऐड करते हैं, एक साथ नहीं डालना है। पहले मैं थोड़ा सा ऐड करूंगी। और थोड़ा सा डालेंगे, ये देखिए। तो ये देखिए अभी हमारा क्रीमी कंसिस्टेंसी में टर्न हो रहा है। ये देखिए इस तरह से हो गया है। अब हम बचा हुआ ऑयल डाल के फिर इसको ग्राइंड कर लेते हैं। अब सारा ऑयल मैंने इसमें डाल दिया है, फिर से एक बार हम इसे चला लेंगे अच्छे से। तो देखिए हमारा बहुत ही आसान तरीके से घर पर ही बनकर तैयार है मायोनीज, बिना अंडे के बनाए हैं मैंने इसे, तो आप भी इसे घर पर जरूर ट्राई। तो ये देखिए बनकर तैयार है गार्लिक मायोनीज, बहुत ही आसान तरीके से हमने इसे घर पर रेडी किया है। तो क्योंकि मैं आगे आने वाली रेसिपीज में मायोनीज से रिलेटेड आपको रेसिपीज बताने वाली हूँ, तो इसलिए ये रेसिपी मैंने अभी सोचा कि आपको बता दूँ पहले मायोनीज की रेसिपी। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी? चलिए अब हम इसको एक कंटेनर में खाली कर देंगे, और आप इसे 8 से 10 दिन तक फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही में बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो चले इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, मुझे दुआ में जरूर याद रखिए।